भाई अभी भाग रहे हैं इस तरीके से, अभी पी घंट मिला है इन्हें। वार्म अप कर रहे हैं अपनी बॉडी को, फिर निकलेंगे हंटिंग के लिए। फिर पूरा जंगल है आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ। अभी जाएंगे यहाँ से भी मतलब 8 से 10 किलोमीटर आगे जाएंगे, उसके बाद जो है इनका हंटिंग स्टार्ट होगा, जब ये शिकार वगैरह करेंगे तो वो सारी चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। तो दिस द हटजावे ट्राइब देख सकते हैं मेंबर हैं। तो अभी ये जो है हमारे थॉमस भाई गाइड हैं, तो मैंने इनसे पूछा कि इनके घर वगैरह कहाँ हैं। तो वेयर डू दे लिव? They are living in the bushes like here. Okay. First time when they arrive, because these people, they are nomadic, they don't make a permanent houses. Okay. They are moving from place to place in the bushes. Okay. For, just for a search of animal. Okay. And in case, for the first day when they arrive in a new place, they will start making a cleanup of the bushes, then they start sleeping. Okay. As the time goes, if they still stay in that in the same place, they will start making small huts. Small huts like this a, type. It's a place where they sleep. So, भाई ये थॉमस भाई बता रहे हैं कि इनका कोई परमानेंट घर नहीं होता है, ये जंगलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पे मतलब जाते रहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे रह रहे हैं तो इस टाइप के घर बना लेंगे यहीं पे सोते वगैरह। चारों तरफ आप देख सकते हो जंगल है, तो इनका परमानेंट घर नहीं होता। ये अब यहाँ पे आसपास हंटिंग करेंगे, जब इनको हंटिंग के लिए शिकार बनना बंद हो जाते हैं तो ये दूसरे प्लेस पे अपना जाके वहाँ थोड़ा सा ऐसा छोटा मोटा साफ सफाई करके और दूसरे प्लेस पे अपना रहने लगते हैं। भाई इनका अजब है यार, ये सिर्फ हमने सुना ही था या फिर देखा था जो मूवीज वगैरह होती थी पुरानी, या हिस्ट्री था कि लोग हंटिंग करते थे जो पहले के लोग थे। ये भी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो हंटिंग करके भी गुजारा अपना करते थे सारा कुछ। सो आज जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपने साथ साथ, तो आप भी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस लोगे। सो भाई इनका जो मॉर्निंग रूटीन रहता है, जस्ट अपना मॉर्निंग में उठते हैं सुबह, और सुबह उठ के जो इनके जो एक ग्रुप होता है पूरा, ये 2-3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और इस तरीके से उठ के फिर ये अपना एक आग जलाते हैं लकड़ी वगैरह की, यहाँ बहुत लकड़ियाँ वगैरह हैं, और अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं मतलब रेडी करते हैं अपने अपने आप को हंटिंग के लिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है मॉर्निंग का बेस्ट टाइम होता है हंटिंग के लिए। तो अभी जस्ट ये वार्म अप कर रहे हैं, 1-2 आवर ये वार्म अप करेंगे अपनी बॉडी को और उसके बाद ये हंटिंग के लिए निकलेंगे। तो हम भी जस्ट अभी वेट कर रहे हैं, थोड़ा हम भी वार्म अप कर लेते हैं क्योंकि आज हमें अभी इनके साथ पूरा एक्सपीरियंस लेना है हंटिंग का। इस वीडियो में बने रहें, देखते रहें और आगे जो भी होगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस हंटिंग का वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई देखो ये बचपन से ही ना हंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, देखो आप ये कितना छोटा है और ये अपना बचपन से इनका ये मतलब इसी पे निर्भर रहते हैं, तो यही सीखते हैं बचपन से हंटिंग वगैरह। ये इसने देखो यहाँ पे खाल पहनी हुई है किस चीज की। व्हाट्स योर नेम? नकोपो। व्हाट्स योर नेम? ओके भाई, ये देखो अपना इतना इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में नाम बता रहे हैं। भी एक वार्म अप करने से शायद बेबी थकान कम होती है, बॉडी एक्टिव हो जाती हो इनके लिए, तभी अपना इस तरीके से सुबह मॉर्निंग में अपना उठ के ना सबसे पहले वार्म अप लेते हैं और फिर हंटिंग के लिए निकलते हैं, क्योंकि वही इनका मेन पे निर्भर है, सब खाना पीना उसी से होता है इनका, कोई ब्रेकफास्ट कुछ नहीं होता। हंटिंग करेंगे फिर ये अपना शाम तक हंटिंग करते हैं, उसके बाद आते हैं फैमिली में, फिर इवनिंग का जो रूटीन होगा इनका, कैसे खाते हैं कैसे पकाते हैं सारी चीजें वो आपको मैं दिखाऊंगा। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? कोंगोपो। वो पूरा एक्सपर्ट है भाई, ये बचपन से ही ना ये सब मतलब इसी में लग जाते हैं। ये देखो ये 5 साल का होगा मुश्किल से, और एरो वगैरह अपना ले रखा है इसने, इसका अपना धनुष भी है छोटा सा, पूरी तैयारी के साथ है। ये जाते नहीं है बट ये अपना यहीं पे अपना दोनों खेलने के लिए तैयारी करते हैं। तो अभी ये निकल रहे हैं हंटिंग के लिए, तो ये लगभग 6 से 7 लोगों का ग्रुप है हंटिंग के लिए ना, इन्होंने ये सब अपना एरो वगैरह अपना ले लिया, सारी चीजें रेडी कर ली है, निकल रहे हैं। फिर पूरा जंगल है आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ, जाएंगे यहाँ से भी मतलब 8 से 10 किलोमीटर आगे जाएंगे, उसके बाद जो है इनका हंटिंग स्टार्ट होगा, जब ये शिकार वगैरह करेंगे तो वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको। सो ये जो सीरीज है बहुत ही एडवेंचर होने वाली है, मतलब जहाँ पे रहते हैं वहाँ से लगभग काफ़ी दूर है, जो शिकार वगैरह अपना करते हैं हंटिंग। फर्स्ट टाइम है रियल लाइफ एडवेंचर मेरा, तो अभी ये प्लान कर रहे हैं किस साइड जाना है, मतलब अंदर तो हम आ चुके हैं लगभग 5-6 किलोमीटर जहाँ से इनका जहाँ पे छोटे मोटे जहाँ हमने स्टे किया था थोड़ा सा घर था, अभी ये डिसाइड कर रहे हैं किस साइड जाना है। तो कुत्ते भी इनके साथ रहते हैं, इस तरीके से कुत्ते भी रहते हैं इनके पास, कुत्ते भी भाई इनके साथ साथ में हंट करते हैं, बिल्कुल भागते हैं दौड़ते हैं, मतलब पूरा इनका साथ देते हैं, कहीं दिखता है ना इनको फिर
ये कुत्तों के पीछे भागते हैं, कुत्तों को शिकार दिखता है तो एक्सपर्ट होते हैं आप कहने में वो एक्सपर्ट। ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा हंटिंग करते हैं तो डिवाइडेड हो जाते हैं, दो इस ग्रुप में, दो इधर जाते हैं, दो इधर भागते हैं, इस तरीके से। क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है तो एक जगह जाएंगे तो हो नहीं पाता, जैसे अपना दो दो लोग इधर, दो लोग इधर, तो जहाँ भी शिकार मिलता है अपना ये शोर वगैरह मचा देते हैं और सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हंट करते। तो भाई जो भी मिलता है इनको जंगल में, गिलहरी, चिड़िए और बैबून, जो भी मिलता है टू जेड, सब ये मतलब सब का शिकार करते हैं, सब खाते हैं, सब अपने साथ कैरी कर लेते हैं। तो अभी दो बंदों ने गिलहरी टांगी हुई है, इस बंदे ने उधर टांगी हुई है, अभी इनको सिर्फ गिलहरी मिली है, अभी आगे जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं उस साइड, ये पूरा इनका एरिया है, जंगल है, उस साइड जाएंगे। तो भाई देखो अभी ना आग जला के गिलहरी जो इन्होंने शिकार किया था उसको भूनेंगे। तो इस तरीके से अपना एरो तैयार कर रहे हैं अगले हंट के लिए। और ये अपना देखो गिलहरी इस तरीके से भून रहा है। मासी बल्ले में भी बेटा कुछ इनका फूड होता है यार, ये सब लोग खाते हैं और कुछ होता नहीं इनके खाने के पास, और फिर उसको खाएंगे। देखो ये सब ये भून रहे हैं यहाँ पे और इसी को अपना खाएंगे अपना बैठ के। फिलहाल रेस्ट भी कर रहे हैं, जॉइंट वगैरह बना रहे हैं, ब्रेक लेके थोड़ा अपना एरो वगैरह तैयार कर रहे हैं और उसी बीच में अपना फ्राई कर रहे हैं भाई। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं लाइव, मतलब वीडियो वगैरह में पहले देखा है। तो भाई अभी इनका भोजन अपना तैयार होने वाला है, इस तरीके से गिलहरी में पूरी भून दी है, अब इसी को ये खा जाएंगे। मतलब यार देख के मुझे तो डर लग रहा है, बट ये इसी तरीके से, ये इनका कल्चर है, ये इनकी लाइफ है और इसी तरीके से हंट वगैरह करते हैं और इसी पे निर्भर रहते हैं। तो अपना वेट कर रहे हैं इसका, जॉइंट वगैरह लेंगे, ये खाएंगे, फिर निकलेंगे एक तरफ जाएंगे जो लोकेशन है आगे, वहाँ पर ज़्यादा हंटिंग इनको मिल जाती है। तो अभी जस्ट ये वेट कर रहे हैं क्योंकि हम 8 से 10 किलोमीटर आ गए हैं और बीच में ये लोग भागे भी थे, हंट भी किया था इन्होंने, बट इनको कुछ मिल नहीं पाया गिलहरी के अलावा। जो आप देखते हैं, जो हम सुनते थे पहले किताबों में पढ़ते थे कि जंगली रहते थे, जो पहले के लोग थे वो जंगलों में गुजारा करते थे, वो इस तरीके से ही होता था, सारा इसी चीज़ों पर निर्भर रहते थे वो। ये वर्ल्ड में एक ऐसी ट्राइब है जो अभी भी हंटिंग करती है और हंटिंग पर निर्भर रहती है, कि कहीं भी आप चले जाओ कहीं भी आपको हंटिंग वाली जो ट्राइब है वो मिलती नहीं है, बट ये एक सिंगल ट्राइब है वर्ल्ड में जो भी हंटिंग पर निर्भर रहते हैं, यही सब इन्हीं पे इनका गुजारा होता है भाई। मतलब दुनिया से बिल्कुल हटके हैं ये, मान लो तुम जो हम पहले सुनते थे पढ़ते थे हिस्ट्री में, वही सब ये फॉलो करते हैं, वही सब इनकी लाइफ है। देखो भाई अभी उन्होंने इसको अपना भुना और फिर काटा, अभी अपना एक खा रहे हैं इसको। जानवरों की इन्होंने खाले वगैरह भी पहनी हुई है, देखो आप सभी ने अपने पीछे खाले लटकाई हुई है, जो बड़े शिकार करते हैं उसकी अपना खाल लेके अपना उसको यूज करते हैं ऐसे कपड़े की तरह। तो भाई अभी भाग रहे इस तरीके से, अभी भी घंट मिला है इन्हें। अभी अब इनके साथ आए थे हंटिंग करने के, देखो इन्होंने जंगली सुअर टाइप का कुछ ऐसा इस टाइप में हंट किया है। ये यंग ग्रुप है, ये हमारे जो मेन इस ग्रुप के लीडर थे, तो इन्होंने ये मारा है जंगली सुअर, आप देख सकते हो खुदती इस तरीके से। भाई ये शोर भी मचा रहे थे इस साइड में, तो जैसे ही हम पीछे भागे इन्होंने तब तक शिकार कर दिया था, आप देख सकते हो। काफ़ी हैवी है भाई इनका आज का खाने का हो गया है, अभी और भी हंटिंग के लिए जाएंगे। आप देख सकते हो ये जो तीन ग्रुप लड़ गए, इन्होंने मेन शिकार किए हैं, तो रियल लाइफ हंटिंग है, आप देख सकते हो रियल में, तो काफ़ी एडवेंचरस। सो इस तरीके से भाई ये लोग देखो हंट करते हैं और फिर उसके बाद जो है जंगल में ये आग जला देंगे, आग जलाएंगे और उसके बाद इसको ये जो है इसको पकाएंगे और यहीं पे खाएंगे। सो जो भी है अभी आपको दिखाएंगे क्या क्या इनका कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं अपना खाने का रूटीन ये हंटिंग के बाद। इस तरीके से भाई देखो ये आग जला रहे हैं अपनी, अभी आग जलाने का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये इनका हंट पड़ा हुआ इधर, ये इस तरीके से अब देखो आग जलाएंगे। ए,
सारे मतलब ये जो दो तीन ग्रुप में बटे हुए थे ना, यहाँ पे सभी इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि मैं शोर वगैरह मचाया, बड़ा सिग्नल मिला इन्हें, सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं, उसको प्रिपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं। ये अभी इन्होंने अपना सिगार जो है ना इस पर रख दिया, भुनने की तैयारी है, मतलब किस तरीके से अपना ये सिगार करते हैं, उसको भूनते हैं, फिर खाते हैं, सारा कुछ देख सकते हो। ये इनका डेली का रूटीन है हर जावे ट्राइब का, ये मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक यही सब सिगार करते हैं, उन्हीं पे इनका लाइफ जो है पूरी डिपेंड रहती है, देख सकते हो। इसको धीरे धीरे भूनते हैं, फिर इसका जो स्किन है वो अपना उतारते हैं, फिर उसको भूनते हैं, पूरी स्किन उतारने के बाद फिर उसको दोबारा से फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से देखो ये स्किन उतारते हैं इसकी, हल्का हल्का भून के देख सकते हो। हम देखो फिर इसको ये भूनेंगे अपना रख के, ये पूरी स्किन ये जलाते हैं पहले, उसको फिर जला के हल्का हल्का स्किन को उतारते हैं चाकू से, देख सकते हो। तो इस टाइम भाई बीच जंगल में हम, बीच जंगल में इनको शिकार मिला, मतलब जो गांव था विलेज था वो भी जंगल में ही है इनका, उस विलेज से भी हम 20 कम से कम 10 से 15 किलोमीटर की आगे पहाड़ों की तरफ है जंगल में, और यहां पे इनको शिकार मिला है, यहां इसको भाई इस तरीके से देखो ये काट रहे हैं इसको, आप देख सकते हो इन्होंने पहले ये फ्राई किया, मतलब भुना उसकी स्किन उतारी, अब उसको बीच में से इस तरीके से काट रहे हैं। सो इस तरीके से मैं इसके अंदर के छोटे छोटे अपना पार्ट निकाल के पीस निकाल के फ्राई कर रहे हैं इसको यहाँ पे हाथ से, और इसी को फ्राई करके अपना ही खाएंगे, मतलब पूरा सिखाई रखा हुआ है, उसकी स्किन वगैरह सारी मैंने मतलब गर्म करके उतार दी है, और जो अपने उसके पार्ट्स हैं छोटे छोटे अपना निकाल के भून रहे हैं उसको, प्रिपेयर कर रहे हैं खाने के लिए, मतलब देख सकते हो लाइक इनका डेली रूटीन है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये इनका मॉर्निंग में उठने के बाद अपना शिकार पर निकल जाते हैं, डेली इनका इवनिंग तक यही रूटीन रहता है जब तक इनका अपना शिकार पूरा अपनी फैमिली के लिए पूरा ना हो जाए। तो इस तरीके से ये शिकार करते हैं, आप देख सकते हो पूरा ये भूनेंगे अपना एक पीस अच्छे से भून के, तब ये खाते हैं अपना। सो ये जावे ट्राइब का जो है फूड है, इनका जीवन है इसी पर निर्भर रहता है। खाओ आयो इनको।
तो भाई इन्होंने अपना थोड़ा सा उसका छोटे छोटे पीस निकाले और अपना भून के फ्राई करके खा लिए जो भी यहाँ पे थे 10-12 लोग। अभी जो इनका शिकार बचा हुआ है ना ये अपना ले जाएंगे घर पे इवनिंग में, और इनका जो होगा डिनर वो इसी से होगा फैमिली वगैरह के साथ अपना ये बैठ के इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में। सो ये 4-5 ग्रुप होते हैं ये आपस में ना सब शेयर करके खाते हैं, ऐसे नहीं है और एक ही जगह रहते हैं। तो ये अपने डिनर के लिए रखा है, अगर बाई चांस अगर इनको कोई शिकार नहीं मिलता है तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो ये लोग अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे और उसको डिनर में यूज़ करेंगे। बाकी आपने देखा अभी इन्होंने कैसे किस तरीके से मतलब शिकार किया लाइव उसको और उसको फिर अपना खाया एनर्जी के लिए। अब ये निकलेंगे नेक्स्ट अपना शिकार के लिए, दूसरी लोकेशन पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब तक का जो पार्ट था वो कवर कर लिया हमने। सो काफ़ी एडवेंचर था ये, काफ़ी डेंजरस भी था भाई लाइफ में, मतलब पहला मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है ऐसा, अब तक मैंने कुछ देखा नहीं है ऐसा। तो ये जो है ये भाई सबसे पुराना व्यक्ति है, आप इसकी उम्र देख सकते हैं 55 साल का है, जो हमारे गाइड थे उन्होंने बताया 55 साल की इनकी एज है। और ये जो है सबसे यहाँ पे पुराने लोग हैं, एक इनके साथ का और है, दो लोग ये काफ़ी ओवर मतलब 50 से ऊपर हैं, बाकी 25, 30, 20 इस तरीके से भी है। तो लगभग 15 से 16 जो है हंटर हैं यहाँ पे, एक जगह गैदर हो गए थे, अपना शिकार किया, भूना, उसको खाया। अब ये फिर 2-3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और फिर अलग अलग लोकेशन पे जाएंगे। इनका जो आधा ग्रुप है ना वो जा रहा है घर की तरफ, क्योंकि इनका जो है अभी इनको डिनर का इनका हो गया है, जो बाकी का इनका ग्रुप है वो अब जाएगा आगे लोकेशन पे। तो हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे क्योंकि हमने आज पूरा डे हंटिंग करनी है इनके साथ, देखना है एक कैसा मतलब होता है जंगलों में घूमना हंटिंग करना, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। मतलब स्टार्टिंग में डर भी लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी था, बट मेरे साथ टूरिस्ट है तो थोड़ा नॉर्मल फील हो जाता है, बट जंगल है चारों तरफ और इनकी लैंग्वेज भी आपको समझ में नहीं आती है, तो ये आपकी समझ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में जो है फीलिंग जो है वो बहुत ख़तरनाक वाली आती है, बट एडवेंचर है तो ख़तरनाक तो होगा ही।